हेलो प्यारे बच्चों, तो यार फाइनली जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से अपडेट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का ये कहना कि जिन भी बच्चों ने हमारे कॉलेज को सेलेक्ट नहीं किया था सीयूटी पोर्टल पे, जैसे सम्राट पोर्टल था, वो बच्चे भी अप्लीकेबल है, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक इसका मीन ये है कि दिस इज ओपन फॉर ऑल वो इज सीयूटी एस्पिरेंट। इसका मेन रीजन आपको मैं बताता हूँ क्या है और कैसे इस यूनिवर्सिटी ने जो है अपने घुटने टेक दिए, ठीक है, इस बेसिस पे। हालांकि और बाकी सारी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी ने क्या किया, पहले अपनी एप्लीकेशन फीस हाई कर दी, ठीक है। जैसे मेरे को 5 कोर्स लेने, जैसे बीएससी करना है मेरे को इंटीग्रेटेड में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, साथ में मैंने बीए के लिए अप्लाई किया है, साथ मैंने इंटीग्रेटेड और भी जैसे फिजिक्स है, जो भी एस्ट्रोनॉमी वगैरह, ऑलमोस्ट जितने भी कोर्सेज होते हैं, मान लो मैंने 9 कोर्स सेलेक्ट किए, 10 या 11 कोर्स मैंने अगर सेलेक्ट किए, तो यूनिवर्सिटी ने हर कोर्स की जो फीस है वो ऐड कर दी, जैसे 11,000 हुई, 10,000 हुई। तो जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट की मेरे पास क्वारी आ रही, भैया हम कितने कॉलेजों में अप्लाई करें। हालांकि इन्होंने अपना कोई कट ऑफ भी नहीं दिया कि सीयू राजस्थान का कट ऑफ कितना है, सीयू हरियाणा का कितना है, सीयू गुजरात का कितना है, राइट। तो हम हर यूनिवर्सिटी में थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में अगर अपन देखें, जैसे हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गया, सीयू राजस्थान हो गया, जैसे अगर अपन हरियाणा की बात करें तो वो सिर्फ 300 रुपये ले रहा है, और सबसे अच्छी बात गर्ल्स कैंडिडेट से वो 0 रुपये चार्ज कर रहा है, पैसा ले ही नहीं रहा है। जैसे अगर अपन राजस्थान वाले कॉलेजों की बात करें तो इसके अंदर मान लो मैंने 10 कोर्स 11 कोर्स सेलेक्ट किए, तो मुझे पेमेंट मांग रहा है 10,000 रुपीज पे कीजिए, वो भी नॉन रिफंडेबल चार्ज है। गाइस आप मेरे को एक बात बताइए, अगर यहाँ पर 100 बच्चे भी अप्लाई करते हैं तो 10,000 के हिसाब से जोड़ो कितने लाख रुपये होते हैं इसके पास, और क्या उतने लाख रुपये इसके सर्वर की कॉस्ट आ रही है, और इतना क्या हमारी ये हेल्प कर रहा है कि 10,000 रुपीज हम इनको काउंसलिंग का चार्ज पे करें, और उस कंडीशन में जब हमारा एडमिशन भी नहीं हो रहा है, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि जो बच्चे सीयूटी में अप्लाई नहीं किए हैं, सीयूटी में हमारे कॉलेज को जिन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है, और अगर उन्होंने सीयूटी का एग्जाम दिया, चाहे वो यूजी हो चाहे वो पीजी हो, वो जो है हमारे जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, हमारे कॉलेज में जो है एडमिशन लेने के लिए अप्लीकेबल है। हालांकि इसमें कोई बीटेक कोर्स प्रोवाइड ये सीयूटी के थ्रू नहीं देता, सीयूटी के थ्रू ये बेसिक कोर्स, बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स, बीबीए एंड जो भी अदर कोर्सेज होते हैं, एमएससी एंड अदर, वो सारे के सारे सीयूटी के थ्रू देता है, और बाकी जो कोर्सेज बच गए वो सारे वो जोसा और सीएसएबी के थ्रू इसकी सारी सीटें फिलिंग की जाती है। तो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का, और यार इसका जो काउंसलिंग फीस वाला जो है काफ़ी ज़्यादा गलत है, और हम इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है। हालांकि काफ़ी अच्छा कॉलेज था, लेकिन यूनिवर्सिटी की गलती, चाहे वो वाइस चांसलर हो चाहे वो फैकल्टी हो, जो भी हो, बच्चों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और काफ़ी सारे 95% ऐसे पेरेंट्स और बच्चे हैं जो कि ये इतना जस्ट लाइक कैपेबल नहीं है कि वो इतना ज़्यादा चार्जेस दे सके। हालांकि इनको अपना कट ऑफ डिक्लेयर करना चाहिए था उस कंडीशन में कि आप जो है जिनके इतने मार्क्स है वो फीस पहले दे दीजिए 10,000 वगैरह, लेकिन यार किसी भी कॉलेज किसी भी बच्चे के लिए 10,000 रुपीज देना, और वो भी नॉन रिफंडेबल हो, अगर रिफंडेबल है देन तो हम लोन लेके भी दे सकते हैं, लेकिन बिहार के वो बच्चे जो हमारे इंस्टीट्यूट में जेई मेन की प्रिपरेशन के लिए 2,000 रुपये नहीं दे सकते, 3,000 रुपये नहीं दे सकते, बोलते हैं भैया हमारे जो है 200 रुपये से 3 दिन तक घर चलता है, राइट। तो उस कंडीशन में वो बच्चे जिसके सीयूटी में 90% भी आर के हैं, वो कैसे ऐसे कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यार आप लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, राइट। और इस कॉलेज ने जो है सीयूटी के लिए सभी बच्चों के लिए पोर्टल ओपन कर दिया, ठीक है, थैंक यू।